चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवि सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म विष्णु विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमान भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रिला विष्णु विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे भगवान की जो कथा है ये कथा की कितने महिमा है। इसलिए शास्त्र में भागवत में विभिन्न पुराण में कथा का अलग अलग नाम बताया। कहते गोपियों ने ये कथा को क्या कहते हैं, बोले बोले हे श्याम सुंदर ये तुम्हारी कथा नहीं, बोले तब कथा मृत ताप जीवन कभी मृत कल्म साप, बोले तुम्हारी ये कथा नहीं, बोले तब कथा अमृतम। ये कथा को जो पान करते हैं वो जगत में अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए गोपियों ने कृष्ण कथा के सात लाभ बताए, पहले हम लोगों ने सुन चुके हैं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी कथा को क्या कहते हैं, बोले ये कथा नहीं ये कथा औषधि, ये कथा को औषधि बताया। अगर ये कथा रूपी अमृत रूपी औषध को जो पान करे, कभी जो भव रोग है, कहते भव रोग मतलब ये भू धातु से हुआ भव, भव मतलब होता है होना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लेने का बाद फिर जन्म, मरने का बाद फिर जन्म, फिर संसार में आओ तो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए कहते ना ये संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही सहने का, दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाती है। इसलिए कहते जो व्यक्ति ये कथा मृतों को पान करते हैं वो आसानी से ही ये भवसागर को आसानी से समस्त दुख कष्ट से पर पार ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करते हैं। बोले जो ठाकुर जी का जो चरण है, बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण। इसलिए भगवान के चरण में तीन चीज है, एक अशोक जहाँ पर कोई दुख कष्ट नहीं, अभय जहाँ पर कोई डर नहीं, अमृत जहाँ पर अमरत्व है। जहाँ पर जिनको अमरत्व की अमृत की प्राप्ति होती है भगवान के चरण में, ये सारी चीज ठाकुर जी के चरण में है। इसलिए कहते जो व्यक्ति भगवत कथा को श्रवण करते हैं कहते विपरीत तस्य रूप ये मना, कहते कथा को कौन कौन सुनते हैं, ऐसे नहीं जो केवल संसार का बंधन में बंधे हुए हैं केवल वही लोग कथा सुनते हुए, नहीं
ये कथा तो मुक्त महापुरुष कथा को सुनते हैं। शंकर जी जब कथा सुनाते हैं स्वयं पार्वती सुनती है, पार्वती जब कथा सुनाती है शंकर जी सुनते हैं, नारायण जब कथा सुनाते हैं लक्ष्मी सुनती है, लक्ष्मी जब कथा सुनती है नारायण सुनते हैं, ब्रह्मा जब सुनाते हैं ब्रह्माणी सुनती है, ब्रह्माणी जब कथा सुनती है ब्रह्मा सुनते हैं। कहते इनके बाद छोड़ दो, कृष्ण कथा जब राधारानी सुनाती है स्वयं गोविंद भी बैठ करके कथा को सुनते हैं। ये गोपी गीत क्या है, ये गोपी गीत क्या है? जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने कहा देखो कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। कहते नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नहीं तो मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, जहां पर मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरे कीर्तन कथा करते मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए गोपी गीत क्या है, जब गोपियों ने ये गोपी गीत गाई कृष्ण बीच में बैठ कर कथा सुन रहे थे। इसलिए बोले तासाम अग्रभूत सौरी स्मयमान मुखांबुज पीताम्बर दर्शन की साक्षात मन्मत मन्मत। गोपियों ने जब गोपी गीत गाए गोविंद और कहीं नहीं आए हैं, बोले तासाम अग्रभूत सौरी वो कथा की पीठ से ही कृष्ण प्रकट हो गए। मतलब कृष्ण वहीं पर बैठ बैठ कर अपनी कथा कृष्ण खुद सुन रहे थे। इसलिए बोले कथा के सबसे बड़े जो रसिया है, जो श्रोता कौन है, हम लोग नहीं है। अगर हम लोग को थोड़ी ज्यादा समय कथा सुना देना लगता है कब कथा खत्म हो, अभी तक कथा खत्म नहीं, कब घर में जाए, हम छटपट 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 करते हैं, हाँ हम छटपट करते हैं। लेकिन कृष्णा अपनी कथा कृष्ण को जितना प्यारा लगता है और इतना प्यारा जगत में कृष्ण कथा की और किसको इतना प्यारा नहीं लगती, कथा में क्या है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण की महिमा है। बताओ दुनिया में कौन किसका महिमा सुनना नहीं चाहते, किसको थोड़ी बढ़ाई कर तो खुश हो जाते और थोड़ी इधर उधर बोल तो नाराज हो जाते। कृष्ण कथा कृष्ण स्वयं कृष्ण कथा है। एक कहते कोई एक संत थे जो जयपुर में जो गोविंद देव मंदिर में रोज वहां पर कथा करते थे, साल में एक बार आकर कथा करते थे, एक साल में कथा की और दूसरे साल में आए कथा सुनाने के लिए आए। तो उन्होंने पूछा बताओ तो मैंने पिछली बार कथा को कहां पर विश्राम दिया था, उसको आगे कथा बढ़ाई। सब चुप हो गए, क्यों आज जो खाते हैं ना कल कुछ याद नहीं रहता, और एक एक साल पहले कोई कथा सुनाए थे थोड़ी याद, सब भूल गए। इतने में जो वो कथाकार था बोले लगता है तुम लोग कोई कथा नहीं सुनते हो, यहाँ पर तुम लोग कोई कथा नहीं सुनते हो, क्या बोला था तुम्हें याद नहीं। इतने में मंदिर से आवाज आई गोविंद देव का, बोले भक्त जी आप कैसे कहते हो कोई कथा नहीं सुनता, मैं कथा सुनता हूं ना। ठाकुर जी स्वयं बताए आप यहाँ पर कथा की थी, यहाँ तक कथा विश्राम हुई थी, इसको आगे कथा आगे बढ़ेगी। इसलिए कथा के सबसे बड़ा श्रोता कौन है, भगवान श्री गोविंद देव श्री श्याम सुंदर है। बोले श्री भगवान गोविंद देव की है। चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, किस लिए आए, यही कारण है। कहते मेरे अंदर में जो माधुर्य है, मेरे में जो सुंदरता है, मेरे में जो प्रेम है ना विदग्धता, इसको पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है। यद्यपि सब भक्त लोग का आस्वादन करते हैं लेकिन पूर्णतम रूप में श्री राधा रानी आस्वादन करती है। राधा रानी आस्वादन करती क्योंकि अनयाराधितम, सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण भक्ति करने वाले कौन है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए बोले राधा आप प्रणय महिमा की दृश्यम, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, राधा रानी कैसे मेरी माधुर्य को आस्वादन करती है और वो आस्वादन करके उनको क्या सुख होता है। इसी चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी की भाव और अंग का लेकर के सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में कृष्ण स्वयं आते हैं। अपना प्रेम को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के सबसे बड़ा श्रोता कौन है, श्री श्याम सुंदर जी, श्री श्याम सुंदर जी है। इसलिए यहाँ पर कहते भी जो कृष्ण कथा है वो क्या है, बोले भव रोग का जो औषधि, सबसे बड़ा औषधि दवा भगवान की कथा है।
हम तो ऐसे लगता है तो कथा ही तो सुन रहे हैं और कुछ तो है नहीं। कोई बोले ना आप क्या साधन कोई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बैठ कर कथाएं सुनते हैं। नहीं, जगत में जितने बड़े साधन है ना, ये कथा सुनना सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि जब कथा सुनते हैं क्या होता है, हमारी मन ठाकुर जी की कथा में रम जाती है। भजन किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, जब ये मन जो समाधि है, जब ये मन संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में लग जाए, इसको समाधि कहते हैं। वो भजन का सर्वश्रेष्ठ है आसन प्राणायाम, उसके बाद में जप नियम साधन, लास्ट में ये समाधि है। लास्ट में ये समाधि जो समाधि, जब ये मन संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में लग जाए। देखो कथा में जब बैठते हैं हमारे मन कहाँ लगा हुआ है, ठाकुर जी के चरण में। ये सबसे बड़ा साधन है कथा। अगर किसको भगवान की कथा में रुचि नहीं तो समझो भागवत कहता है और जितना साधन उसको बेकार हो जाता है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसान विश्व कथा सुच न उत्पाद श्रम एव ही केवलम है। कोई धर्म अच्छे तरह से किसी धर्म को सुंदर रूप में जागरण कर रहा है, लेकिन उसको कृष्ण कथा भगवत कथा में उसको कोई रुचि नहीं, जितने साधन सब बेकार है। सबके सब बेकार वो सब साधन है, सबके सब निष्फल हो जाता है। इसलिए जो जिसको प्रेम करता है ना, उसकी कथा सुनने के लिए उसको उतना ही अच्छा लगती है। और कथा से ही ये व्यथा दूर होता है, और कथा से ही ठाकुर जी के चरण में हमारी मन लग सकती है। कथा के बगैर ये मन कभी भगवान में लग ही नहीं सकती है। जिसको जितने कथा में रुचि है उसका भक्ति उतना ही श्रेष्ठ उसकी भक्ति है। इसलिए कहते कृष्ण कथा क्या है, बोले औषधि। तब यहाँ प्रश्न किया, जैसे कोई एलोपैथी की दवा लेते हैं ना, झट मुंह में डालकर पानी, लेकिन उसको क्या करते अंदर में सटका लेते हैं, क्यों, कड़ी होता है दवा, दवा कड़ी होती है। तब यहाँ पर बताए, आप बताए भव औषधि, मतलब भव सागर की दवा भगवान की कथा, क्या कृष्ण कथा दवा तो फिर कड़ी होनी हो, बोले नहीं, श्रोतो मनोभिरामा। ये जो भगवान की कथा है ये कान और ये हृदय को बड़ा आनंद देने वाले। जगत में सबसे बड़ा अगर कोई हृदय को कान को अगर कोई आनंद देता है ना, बल्कि भगवान की कथा है, हाँ भगवान की कथा है। इसलिए उसकी पीयूष शेष सरित उसमें बताए भगवान की कथा। ये कान को देखो, ये दुणा जैसे ना, दुणा से क्या करते हैं, पीते हैं। ये कान को देखो, ये दुणा जैसे ये कान, मतलब क्या है, कृष्ण कथा रूपी अमृत को इसी दुणा को द्वारा हमें पान करनी चाहिए। इसलिए बोले कृष्ण कथा कड़ू नहीं, हृदय और मन को ये आनंद देने वाले भगवान की। तस्मिन महान मुखरितम मधुविश्चरितम, यहाँ पर कृष्ण कथा को मधु बताया गया है, मधु बताया गया भगवान की कथा को। जे पिबंत निपग्राण करने, इस कथा रूपी अमृत को जो कान रूपी दोड़े में एकदम उसमें सतृष्ण हो करके जो पिबंती जो पान करते हैं उसको क्या होता है, उसको जन्म मृत्यु जरा भय उसका संपूर्ण खत्म हो जाता है, उसको सारे दुख कष्ट उसकी खत्म हो जाती है भगवत कथा अमृत को पान करने पर। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निर्मित मितन होते तुंडा बलि लब्धये कर्णा त्रणो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधे सुतप्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वे इन्द्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णद्वये। कहते जो कृष्ण जो दो अक्षर है, कहते भगवान ये कृष्ण दो अक्षर में कितने इंद्रियों को ये प्रकट कर देता है, भगवान की ये नाम भगवान की कथा। ब्यालम मतलब होता है एक सर्प, जैसे कि सर्प किसको निगल लेता है, कहते जो काल है ना हमारे समस्त समय को ये काल नष्ट कर रहा है, सारे समय को नष्ट कर रहा है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले आयु हर होते जा रहे, कोई बड़े नहीं हो रहे,
लेकिन ये जो काल है, जो सूरज है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, मतलब हमारे एक दिन उसने नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ सुतो गोस्वामी कहते हैं ये काल तो सभी का समय को नष्ट करता है, लेकिन एक व्यक्ति का समय को नष्ट नहीं कर सकता। बोले किसको? बोले तस्य रीते जब क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय हम भजन में, जितने समय हम भगवान की कथा में, जितने समय भगवान की भक्ति में हम समय लगाते हैं, उतना समय को ये काल का प्रभाव उसको ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए दुनिया काल को डरता है, बताओ कौन मृत्यु को नहीं डरता है? लेकिन ये मृत्यु किसको डरता है? बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास, जो कृष्ण की दास है, काल सबको, काल से सब डरते हैं, लेकिन काल डरता है भगवान भक्तों से। बोले क्यों भक्तों से डरता है? दिन रात भगवान भजन, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, है भगवान की भजन कीर्तन जो करते काल से वो अतीत हो जाते हैं, काल को पार कर जाते हैं, है? इसलिए यहां पर बताए कि जो काल व्यालम, ये काल एक व्याल मतलब होता है सर्प बन करके सबको परमार को ये काल नष्ट कर रहा है। लेकिन एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया। अब नेवला सांप में कभी लड़ाई देखे हो? नेवला सांप में हा? जब होता है लड़ाई होता है, जब लड़ाई होता है अगर बाई चांस अगर सांप ने नेवला को डांस दिया ना, और नेवला क्या करता है, एक्सक्यूज मी थोड़ी रुक जा मैं अभी भी आता हूं। ये नेवला को दवा पता है, ये नेवला को दवा पता है कौन सा दवा खाने से ये सांप का जहर का असर नहीं पड़ता है। वो झट उसको अभी आ रहा है, झट जा करके क्या करता है, वो जड़ी बूटी को खा कर फिर आता है, फिर लड़ाई करेगा सांप से। अगर फिर किसी कारण से अगर सांप ने डांस दिया, फिर बोला एक्सक्यूज मी अभी रुक जा मैं अभी आता हूं, फिर भागेगा, कहां जाएगा, फिर दवा कौन के तो ये बच सकता है। ये जो भगवान की कथा को जो श्रवण करते हैं, केवल ठाकुर जी की कथा को जो श्रवण करते हैं, ये क्या जो व्यालम ये सर्प केवल उन्हीं को ही नष्ट नहीं कर सकता, उनको ही खा नहीं सकता है जो भगवान की कथा सुनते हैं। ठाकुर जी को जो कथा सुनते हैं केवल उनको ही वो क्या करते हैं, उनकी परमाई को नष्ट नहीं कर सकते, नहीं तो सबका परमाव ये नष्ट करता है। इसलिए भगवान की जो कथा को शास्त्र में अलग 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 नाम रूप में बताए, कहते भगवान कथा को श्री कपिल देव क्या कहते हैं, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवंती हृतिका नरसायन कथा ताज्योसन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। यहाँ पर कहते सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हृतिका नरसायन कथा। यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ अगर तुम ये भवसागर से पार होना चाहते हो, सबसे सरल उपाय है मेरे भक्तों का संग करो, भक्तों का तुम संग करो, मतलब क्या है, उनसे हरि कथा सुनो। इसे बोले सतांग, बोले कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले साधुओं से ही कथा सुननी चाहिए, संतों से, जो सचमुच से जो भगवान की भक्ति के लिए, जो सचमुच से भगवान की प्रेम को पाने के लिए कथा कर रहे हैं, उन्हीं को कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर कथा में अन्याभिलाषिता हो, कथा में अगर और कोई दूसरा वासना रहे, कथा करके हम ये करवाना चाहते, कथा के माध्यम से ये करना चाहते, कथा के माध्यम से और कोई काम हासिल करने के लिए हम चाहते, जिसमें जिसका अगर निष्कपट भावना नहीं हो, कथा करके कोई दूसरे चीज हासिल करना चाहते हैं, जिसमें भगवत प्रेम का विषय नहीं हो, भगवान की भक्ति का विषय नहीं हो, हैं? इसलिए कहते बोले माँ तुम उन्हीं साधुओं से कथा सुना जो कि सचमुच से जो निष्काम भाव से जो कथा करते हैं, और भगवत प्रेम को प्राप्ति करना ही इनका जीवन का एक उद्देश्य है। ऐसे साधु से जब तुम कथा सुनोगे क्या होगा, बोले सतांग प्रसंगा, प्रसंगात मतलब क्या, बोले हम तो साधु सब करते हैं, बोले क्या करते हो, बस जाते हैं कथा सुनते, जब तब तक कथा सुनते जब तक पता नहीं होता, फिर पल्लू झाड़ कर कोई सा कथा कोई रख कर चले जाते,
बोले नहीं, प्रसंगत मतलब होता है साधुओं का जो उपदेश है, उनका जो भजन पद्धति है, उसको अपना जीवन में उतारना चाहिए। इसको कहते संत है। इसलिए उदाहरण देते हैं, जो संत जिनका जटाजुट होता है ना, आप देखना उसमें एक जू एक पोका होता है, होता है ना, जो बाल में रहता है, लेकिन वो रहता है तो साधु का जटाजुट से, लेकिन वो खून चूसता है, उसका खून चूसता है, लेकिन रहता है कहां पर, साधु की जटा में, लेकिन उसका खून चूसता है। बोले ऐसे संग नहीं हो जैसे, इसलिए हम साधु संग करते हैं कुछ अपना फायदा उठाने के लिए, नहीं अपना फायदा को उठाने के लिए नहीं, सचमुच से हम भगवान की भक्ति के लिए ही हम साधु संग कर रहे हैं। हमारी उद्देश्य केवल भगवत भक्ति, भगवत प्रेमी हमारी एक उद्देश्य रहनी चाहिए। इसलिए इसको द्वारा क्या होगा, प्रसंगात मम वीर जो कथा है ना, बड़े बलवान कथा है, बड़ा बलवान कथा है वो कथा। अगर ऐसे कथा सुनोगे तो क्या होगा, कथा सुनते 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 ठाकुर के चरण में पहले श्रद्धा हुई है, उसको बाद में वही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति में परिणत होगा, फिर वही भाव ही उसको भगवत प्रेम को प्रदान करता है, भगवत प्रेम को प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर बताए कृष्ण कथा क्या है, कहते रसायन, रसायन कहते हैं 10 तरह का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से वो दवा बनती है। अगर वो रसायन को भाई पान करना, रसायन पीब, कहते शरीर का सारे बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, सारी बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी जो रसायन को पान करेगा। इसलिए कहते जो भगवत कथा की रसायन है, इसको जो पान करेगा उसको क्या होगा, उसको समस्त बीमारी, भवर रोग की समस्त बीमारी नष्ट हो जाएगी, और धीरे 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 भगवान के चरण में उसको प्रेम, और भगवान के चरण में उसको भक्ति की, भगवान के चरण की भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र में ये भगवत कथा को सबके सब अलग 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 नाम दिया है। ये कथा श्रवण करने से जीव को क्या लाभ होता है, इसलिए कथा की बड़ी महिमा है, कथा की बड़ी महिमा है। हमारे प्रभु लोग कुछ कुछ कथा बोले थे, श्यामानंद को कब कब पड़ी है गुरुदेव अजामिल कथा है, अजामिल कोई भी ना, अजय महाराज का तिथि कब, भक्ति पर वैखाना स्मरण की तिथि, भक्ति पर वैखाना स्मरण की तिथि, आज एक भक्ति कम गौरव, आज एक भक्ति गौरव, एक वैखानस महाराज है। ये हमारे जो प्रभुपाद हुए, जो इस्कॉन को जो स्थापन किया ना, उनको भी जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनका ये शिष्य है। आज इनकी जन्मतिथि है, प्रभु जी उनकी उनकी साधन भजन कैसे किया, भगवान की भक्ति कैसे की, उनने अपना जीवन में हमें क्या सीखा छोड़ कर गए हैं। इसलिए जिस समय प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको जो गुरु वर्गों ने उनको बहुत सारे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए थे, तो तुम इतने लिखे पढ़े हो, हम चाहते हैं महाप्रभु का जो भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे आएगा सर्वत्र भगवान का नाम गूंजेगा, सब लोग खुश हो करके भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भजन करेंगे है। बोले ये वाणी को तुम सार्थकता कर सकते हो, इसलिए अभी ये सोच रहे हैं हमारे गुरुवर्ग तो इस दायित्व को देख रहे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में जन बल भी नहीं, मेरे पास में धन बल भी नहीं, मैं कैसे मैं कुछ प्रकार निकाल पाऊँ। ओम ज्ञानतिमिरां दर्शयज्ञानाञ्जनशलाकयान्द्रतिदूरसं गुरुमदं चरणसाष्टाङ्गं प्रणमकं कहेतु कृपावचनकं तत्पश्चात् परम गुरुदेववर्ग रूपान् वा गुरुवर्ग सोपासितवर्गशील प्रभुपाद और आप जिनका सुख भी रहती थी नित्यलीला विष्णु विष्णु परष्टोदय शिष्म भक्ति गौरव शिल वैखानस गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टाङ्गं प्रणमकं कहेतु कृपावचनकं उनके पार्षद श्री श्रीमद भक्ति गौरव शिल वैखानस गोस्वामी महाराज जी का आज सुबह विरह तिथि है।
आज के तिथि को ही उन्होंने तिथि को उपलक्ष्य में उन्होंने नित्य धाम में गए थे। पर आगे उनका जीवन का अद्भुत चरित्र है। वैष्णव आविर्भाव तिरोभाव कहे मात्र हुए, वैष्णव के जो आविर्भाव तिरोभाव ये सब लीला तो ना ही परिचित नवनष्ठा को वर्णन करते हैं कि ये सब जो लीला है वैष्णव की जगत में आते हैं, आविर्भूत होते हैं, फिर अप्रकट लीला करते हैं, इसका कोई पूर्ण छेद नहीं है, दोनों एक ही है। वैष्णव आविर्भाव भी होते हैं जगत में कुछ शिक्षा देने के लिए, और तिरुभाव अपने जगत में सारे के सारे आविर्भाव के पश्चात जितने भी अपने शिक्षा आचरण के द्वारा जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं और उनके अप्रकट के बाद भी उनकी उस शिक्षा अमल होकर रह जाता है। इसलिए बताया गया कि वैष्णव के जो आविर्भाव और तिरुभाव एक ही है। तो आज उनका स्वभाव विरह तिथि है। महाराज जी का जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। इनका पिता का नाम श्री चिंतामणि रथ थे और महाराज जी का माता का नाम श्री सुदेव रथ। हमारे उड़ीसा में ही गंजाम डिस्ट्रिक्ट के बरगढ़ बल के एक गाँव है। उसी गांव में हमने देखा है कि ब्रह्मपुर के पास उसी गांव में सारे के सारे ब्राह्मण ही रहते हैं, सारे के सारे बड़े बड़े विद्वान उसी गाँव में बड़े बड़े कविराज, बड़े बड़े उसी समय में बताते हैं कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स कविराज बड़े बड़े इंजीनियर उसी गांव में से निकले। तो महाराज जी का भी जन्म इसी उसी गांव में ही हुआ और महाराज जी जन्म से ही इतने दिव्य थे क्योंकि उनका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ, कार्तिक के शुक्ल प्रतिपद की तिथि में हुआ। तो उसी समय कार्तिक के जब उड़ीसा में महीना आता है शुरू हो जाता है दामोदर महीना, तो बड़े उत्सव उत्साह में पालन करते हैं। तो महाराज जी का गाँव में एक शिव जी थे उज्जवलेश्वर महादेव बोल के, तो उनके माता पिता शिव जी के परम भक्त थे और उनकी कृपा से ही महाराज जी का उत्पन्न हुआ, इसलिए महाराज जी का नाम रखा उज्जवलेश्वर रथ। महाराज जी का रथ का टाइटल था, महाराज जी का नाम था उज्जवलेश्वर। फिर इतना विद्वान बने आगे चल के उसी गांव में कि जो उसी क्षेत्र के जो राजा थे, तो उसी समय उसी राजा ने इनके वंश परंपरा में ही इनके माता पिता और इनके जो पर पिता दादा ये सब के सब उनके राजद्रोही थे। तो ये इतना विद्वान बने कि एक दिन इनको राजा ने पट्टजोशी उपाख्यान दिया। पट्टजोशी यानी विद्यावान प्रवीण जोशी, विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ अधिकतम जो चरम सीमा में पहुंच जाते हैं। एक समय तर्क होता हो रहा था राजसभा में, तो इतना इनका इस प्रकार का विद्वत सभा में जो भाषण परिवर्तन किए और इनका इतना संस्कृत विद्या था, इतना नॉलेज था कि इनको पटगु जोशी उपाधि दिया गया और बाद में उसी राजा ने इनको राजगुरु नाम से उपाधि दे दी। फिर कुछ दिन के बाद राजगुरु के कार्य के फिर उनके गांव में उनके एक दोस्त कुसंग में प्रभाव कुसंग ही होता है, तो उनके एक दोस्त लिंगराज मिश्र गांव में सब ब्राह्मण ही थे, तो उनके साथ मिलकर तंत्र विद्या सीखे। बचपन से ही तंत्र विद्या सीखे, तो तंत्र सीखने के लिए तो घर में कभी भी अनुमति नहीं देंगे, तंत्र सीखने के लिए जो लाश होता है ना उसके ऊपर बैठ के कुछ मंत्र पूजा करना पड़ता है। तो दोनों के एक एक स्तर के ऊपर बैठ के लिंगराज मिश्र और ये उज्जवलेश्वर दोनों ही सब के ऊपर बैठ के तंत्र साधना करने शुरू की। तो दो जो लाश थे वो उठने लगे एक तो जो जिस लाश के ऊपर लिंगराज मिश्र बैठे थे वो लाश उठ के उनको गला को पकड़ लिया और महाराज जी जिस लाश में बैठे थे उसको दो हाथ ऊपर कर दिया, दो पैर ऊपर कर दिया। तो वो लिंगराज मिश्र तो उसे ही डर के वहीं से भागे, उसे करके भागे। तो तंत्र साधन में विधि है, बीच में अगर मंत्र अगर खंडित हो जाए तो उसी भूति उसको भी मार डालते हैं। तो उन्होंने बीच में विषम विषा बोले, संस्कृत में बोले, फिर वो भागे। बाद में जो लाश थे जो भूत गण थे उनको ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर भी तंत्र करने के लिए आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मैं बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ, मैं जीवन का सर्वोच्च लगाया तो वहां खून खिचड़ी था ऊपर से दिख रहा था अंदर, जैसे ही रोटी लोग तो खून हो गया, पूरा खून का कटोरा दिखने मांस का कटोरा। तो राजा तो भयभीत हो गया, तो उस तांत्रिक ने वहां पे सारे अपने मंत्र विद्या से सारे जितने भी
आदमी वहां पे देख रहे महाराज जी भी अपने नजर में जैसे कमंडल में पानी लेके तो प्रज्वलित कर दे। फिर उस तांत्रिक ने पूरा फिर से कई सौ से भी ज्यादा बार जब हो गया वो तांत्रिक हार गए थे। हार करके फिर महाराज जी ने उसके ऊपर ही पानी छिड़क दिया। सारे में जब भ्रष्ट हो जाते हैं तब कली का जाता है। तो ये मेरे तो ब्राह्मण
तो बोलते हैं देखो तुम ब्रह्मराज हो तो क्या करोगे, बोला आपको खाऊंगा, यहाँ तक आज तक जो भी आया है वो सब मेरे हाल ही बन के गया है, यहाँ तक कोई जीता बच के नहीं गया है, सब मर के ही गया। एक एक टाइम भजन करे एकादशी को, निराहार और द्वादशी को विधि पूर्वक अगर उसका पालन करके अगर एकादशी व्रत करे, उसी एकादशी का फल अगर मुझे कोई दे दे तो क्या होगा, वो मेरा उद्धार मिलेगा। तो महाराज जी ने तुरंत ही हाथ में संकल्प लिया, बोले क्या कर रहे हो, भूत घबरा रहा है। महाराज जी को देख रहे हो भूत घबरा रहा है, क्या कर रहे हो। तो आपने तुरंत ही पानी दिया और बोले कि मैंने आज मैंने तो उससे पहले तो एकादशी नहीं करते थे, बाद में जब घोड़े मठ में आए तो नियम पूर्वक एकादशी निष्ठा पूर्वक एकादशी करते थे और रात्रि में जागरण भी करते क्या करते थे महाराज जी पालन करते थे। तो पानी लेके जैसे ही एकादशी का एकादशी का वस्त्र संकल्प करने लगे तो उस भूत का जो शरीर का दिव्य रूप होने लगा। महाराज जी जीवन चरित्र खुद लिखते हैं और उसको ऊपर पानी छिड़क दिया तो उसको वहीं पर प्रणाम करके चला गया, भूत का उद्धार हो गया। तो वो पान वाला हुआ और उसी गाँव में बहुत सारे भक्त फिर बाद में प्रभुपाद के आश्रित हुए और उस पान वाला का नाम भक्ति प्रपन्न दामोदर महाराज हुआ। बाद में प्रभुपाद का वो आश्रित गण हुए और महाराज जी कुछ सन्यासी थे। महाराज जी पूजे पर हमारे जो भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज जी को सन्यासी थे, भक्ति दय के माधव गोस्वामी महाराज जी को सन्यासी थे, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को सन्यासी थे, भक्ति दो आश्रम महाराज जी को सन्यासी थे, भक्ति शरण शांत महाराज जी को सन्यासी थे। इस प्रकार बहुत सारे प्रभुपाद के आश्रित को सन्यासी थे। और एक अंतिम बात, महाराज के तो बड़े पवित्र चरित्र है, और एक अंतिम बात कि किसी भी मंदिर में जाते थे सबसे पहले एक चीज को लक्ष्य करते थे। मंदिर में जाने से पहले पुजारी को पूछते थे कि ये मंदिर का जो विग्रह है वो किसने स्थापन किया, कोई वैष्णव के द्वारा स्थापन किया गया है या नहीं। अगर नहीं उत्तर होता तब फिर पूछते थे, अगर वैष्णव है कि चाहे कितने भी वो एल्बुलेट आके स्टाम्प लगा के कुछ भी पेपर बना दे वो घर दूसरे का नहीं हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जो वैष्णव के हृदय में हंसम है तुम्हार हृदय जैसा गोविंद विश्राम, जो वैष्णव के हृदय में हंसम है गोविंद विश्राम, गोविंद विश्राम मन अशुद्ध होते हैं। जब तक वैष्णव प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक वो तो केवल जड़ ही है, वो मूर्ति केवल मूर्ति है, लेकिन जब वैष्णव प्रतिष्ठा करते हैं तब भी उसको प्रामाणिक माना जाता है। तब वहां पे बड़े बड़े विद्वान थे तो उनको बोलते कि आप वैष्णव के मत में राजरानी में दारू नहीं